राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन धनुषा के प्रवक्ता मिशन दहेज मुक्त के अभियंता छथि मोहम्मद साजिद हुसैन भाई, हिनका संगे हम बुझबे आई। साजिद भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद साजिद भाई। अखन अपना सबके बहुत जमाती के लक बहुत बेसी एक असमंजस बनल छै। धनुषा महोत्तरी सहित प्रदेश नंबर दू में सेहो भारत में जमाती सब गेल मुस्लिम धर्म गुरु सब या विद्यार्थी सब या प्रचारक सब या अन्य व्यक्ति सब जे आबिकऽ मस्जिद सब में नुकायल त नहीं छथिन। अइ के चलते कोरोना के संभावना बेसी खतरा बढ़ गेलै तै ढंग से का अनुमान छै लोक में किछ लोक में। बीरगंज में सेहो तीनटा संक्रमण पायल गेलै, जमातीय छलखिन भारतीय नागरिक से एलै या बात, ई सब के अवस्था देखि त अपने सब की अनुभव छै की कहब छै? देखो अहाँ के तबलीगी जमात अहाँ के दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में जी जे पायल गेले जी जी वो अपने के की है कि तबलीगी कहे के अर्थ की होय छै कि अपन धर्म के बात के रखे के जे अहाँ के ज्यादातर उम्रदराज आदमी सब पांच आदमी की टोली दस आदमी की टोली लेकर के गांव गांव में जाय छै और अपन धार्मिक बात रखे छै, जेना नमाज पढ़े के तौर तरीका बताबै छै, अपन धर्म इस्लाम के बात बताबै छै। तऽ तबलीगी के अर्थ की हबे अहाँ के कि खुला रूप से कहो कि चलता फिरता एक ठो विद्यालय जे अपन बात के अहाँ रख सकै छी और अपना हिसाब से बात के समझा सकै छी। एमे की होय छै विद्यालय में? विद्यालय गुमती विद्यालय भेलै, गुमती विद्यालय कह सकै छी, मतलब ई भेलै कि अहाँ धार्मिक बात ओकरा तौर तरीका सिखाओ, जेना नमाज केना पढ़े के हबे, रोजा केना रखे के हबे, सही काम करे के हबे, गलत काम से दूर रखे के हबे, ई बात तबलीगी के मात्र है। केकरा पढ़बै छी? बच्चा के, विद्यार्थी के? नहीं, वो अहाँ के सियाना के ही पढ़बै छै। जेना अहाँ के जनकपुर से अहाँ के तबलीगी करे वाला अहाँ के सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दै छी अपने के कि तबलीगी करे वाला अहाँ के जे समुदाय हबे मुस्लिम समुदाय में अपने के जेना अहाँ के एक वहाबी होइ छै, एक देवबंदी होइ छै, एक सुन्नी होइ छै। तो सुन्नी तरफ से हम सब भेली जे जनकपुर के अंदर में सुन्नी के तादाद है, अहाँ के देवबंदी नाम के चीज हेबे नहीं करे। जेना दिल्ली के जे घटनाक्रम भेलै ना, तो सबसे पहले हमारा जब न्यूज जानकारी भेल तो हम अपन कुछ व्यक्ति सबके बैठा करके अहाँ के इलाका में टेलीफोन कर ली कि धौनसा से कोई व्यक्ति नहीं गेले अहाँ के दिल्ली के अंदर में, एकदम अहाँ के क्लियर भ गेले धौनसा से एक भी आदमी नहीं गेले। अच्छा। और महोत्री के बारे में जानकारी कर ली तो महोत्री से भी नहीं गेले, मगर छूट फूट तो हो सकै छै, प्रत्येक एक आदमी की रिपोर्टिंग तो हम नहीं कर सकै छी। अहाँ के जे बतैली ना अहाँ के देवबंदी अहाँ के धौनसा में नहीं छै, देवबंदी हेबे नहीं छै अपने के। देवबंदी कथी जाइत भेलै? मुस्लिम समुदाय में वे हिसाब से अलग अलग हिसाब से माने वाला व्यक्ति में अहाँ के एगो देवबंदी भी जे अहाँ के धौनसा में हेबे नहीं हेबे नहीं करते जाए। महोत्री में कुछ अहाँ के बॉर्डर साइड में है, भारत की बॉर्डर साइड में कुछ लोग जो भारत से जुड़ल जो बॉर्डर है ना उधर है, मैं उधरों के आदमी नहीं गेले जेकरा हम कन्फर्म कर ली जो उधर से जो देवबंदी है ना, हम देवबंदी के फोन करके जानकारी कर ली तो कल की नहीं इधर के एक भी आदमी नहीं गेले। हम सबके लिए अगर एको आदमी अगर गेले तो तुरंत ओकरा क्वारंटाइन में पठाएल जाए और सरकार के सहयोग करल जाए, प्रशासन के सहयोग करल जाए। और प्रदेश नंबर दू के 12 परसा रौथट सप्तरी या बाकी जिला है छै? 12 परसा रौथट अहाँ के सप्तरी अहाँ के देवबंदी के वो गुट है, वहाँ के देवबंदी अहाँ के वहाँ देवबंदी के समुदाय वहाँ पर ज्यादा तो उस सब तो जेबे करते नहीं जाए वाला बात नहीं, मगर जे गेबो कर ले तो हम सब अहाँ के बोरो में टेलीफोन कर ली, परसों में टेलीफोन कर ली कि अगर अपने सब के कोई आदमी अगर अबे है तो अगर तुरंत क्वारंटाइन में पठाओ। मैं एक चीज के अहाँ के जानकारी करा दे छी कि तबलीगी करे वाला जे व्यक्ति के अभी तो हल्ला भ गेलै कि मस्जिद में नुकायल रहै छी, मस्जिद में नुकायल है, ई अहाँ के एकदम गलत है। अहाँ के गलत की है कि तबलीगी जे करे जे जाय छी 10 आदमी के 12 आदमी के जे गुट होइ छी ना, वो गुट की होइ छी केकरो घर में नहीं ठहरै छी, मस्जिद में ठहरै छी। आ मस्जिद में ठहरलक अपन बात के मस्जिद से निकललक तो कहीं गेल तो चाय दुकान पर पान दुकान पर कहीं पर भी जाकर के या मस्जिद के अंदर बुलाकर अपन बात के भारत के भारतीय तीन गोटे जे नागरिक छथिन मौलाना मौलाना चाहे के छथिन है ना तीन गोटे जमाती सेहो तो मस्जिद में सब हरेक जिला के मस्जिद में रहबे करै छी। तबलीगी खाना कहै छी कोन चलै तहु में की होइ छै कि अहाँ के हमर सबके जगह जगह पर तो अहाँ के कोई धर्मशाला तो नहीं छै मुस्लिम समुदाय के, तो अहाँ के मदरसा और मस्जिद तबलीगी करे वाला कोई गांव से आए अहाँ के तो मदरसा या मस्जिद में रुकल आ वही जब खान पीन करलक वही जब से अपन अपन धर्म के प्रचार करलक। मगर की है कि तबलीगी कौन सीजन में होइ छै? एक कोई सीजन होइ छै अहाँ के 12 महीना में होइ छै, सब दिन होइते रहै छै अहाँ के दिल्ली में चलते रहै छै। दिल्ली में जे व्यक्ति गेलै अहाँ के मरकज में निजामुद्दीन मरकज की भेलै
अमर के कहा के धर्म संस्था के एक जगह भेले मस्जिद के नाम भेले जगह भेले एक बैठे वाला जगह भेले जे अपन अपन संस्था के लोग नाम रखले तो वहां एगो बहुत बड़ा के जे मौलाना साद है ना ओकर तो मरकज है की बहुत बड़ा की जे में आके अगर 500 हजारों आदमी के खाना खिलावे पड़ते तो ओकरा उनका कोई दिक्कत नहीं होती आराम से खाना पीना खिला सके और भारत के अंदर में जे यहाँ के तब्दीली की जे बदनाम भेले अपने के ओकर मुख्य कारण यहाँ के लॉकडाउन भेले लॉकडाउन होला के बाद में जेना यहाँ के हमारे जनकपुर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भेले और धार्मिक कार्यक्रम में यहाँ के पगलावा धर्मशाला में 100 आदमी आके ठहरल है आ एक बेर रात में कर्फ्यू लग गए आ काल होके आदमी निकल नहीं सके तो वो आदमी कतौ पते वो आदमी पगला बाबा धर्मशाला में पते तेकर ई मतलब नहीं भेले कि पगला बाबा धर्मशाला में नुकायल है पगला बाबा धर्मशाला में वो व्यक्ति रहल है मगर की है जब अहाँ के पॉजिटिव पा रहा है अहाँ के समुदाय जना अहाँ के तबलीकी वाला व्यक्ति के जो पॉजिटिव पा रहा है तो कर सकते धर्म बनत रही है कर्म बनत रही कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए के चाहे ओकरा सबके प्रशासन के एकदम सुविधा के हिसाब से अपन काम करावे के चाहे कहीं ना कहीं अपने के अहाँ के तबलीकी जमात से यही गलती भेल है कि ओकर दिमाग में बैठल है कि कोई बीमारी हेबे नहीं करे जी ओकरा सबके माइंड में एकदम गलत बात बैठल रही है और वही बारह परसा रोथर समय तो देखल गए ने शाहिद भाई बारह में 9 आदमी के आदमी क्वारंटाइन में बैसवे कलखिन जमाती से आयल परसा में के आदमी सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव जी ब्रीफिंग कर चिंते में तहिना आन पश्चिम से हो नवल परासी कतें जिला सब उम्र का मुस्लिम सब समुदाय सब से हो गेल छलखिन हैं तो एक खतरा है तो ई हम ही कह चाहे छी अपने सब कम से कम हमारा प्रदेश नंबर 2 के बात मात्रे करी अपने संगे हम अहाँ है ना जे जे गेल हथिन चाहे जे आयल हथिन चाहे जे मस्जिद में हथिन से क्वारंटाइन में बैसे छथिन कि नहीं बैसे छथिन बैसल छथिन कि नहीं बैसे छथिन से अपील अपने सब किया नहीं कर रहल नहीं ये शुरू में आके वो सब कहीं ना कहीं आके कमी कमजोरी करके मगर अभी के समय में आ सब खुद के वो चाह रहा है कि हम सब क्वारंटाइन में जाओ जेना हमर मिशन देहेद मुख समाज प्रदेश नंबर 2 के तो हमारे 8 जिला में आदमी है ना तो ओमे की है कि हमारा सबके जो 8 जिला के जो आदमी है तुम्हें सुन्नी भी है और तबलीकी के माने वाला भी व्यक्ति है तो हम वैसा आदमी सबसे संपर्क कर ली कि हम कल की यहाँ सब तुरंत इस चीज में यहाँ सब मेहनत करो कारण की भारत के अंदर में मुस्लिम समुदाय तबलीकी के लिए बदनाम भ गए हमर नेपाल सुरक्षित रहे इस चीज के लिए हम सब प्रयास करू कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके तबलीकी वाला व्यक्ति के हम सब प्रशासन तक अगर सीधे हॉस्पिटल नहीं जाइए तो पकड़ के भी भेजे पड़े तो हम सब मगर एक चीज माइंड मेकअप करे पड़े कि तबलीकी कहे के मतलब दिल्ली से तो इसे बात नहीं है तबलीकी कहे के मतलब नेपाल टू नेपालों में हो सके कोई अगर अहाँ के विराटनगर के आदमी छे तो वहाँ के 10 आदमी निकलते तो अपने के रोहतक में जाके भी तबलीकी कर सके छे रोहतक के आदमी बीरगंज जाके तबलीकी कर सके छे जनकपुर तबलीकी कहे के मतलब ई नहीं भेले शिविर भेले ओ घुमै छे हां घुमै छे पढ़बै छे घुमै छे पढ़ै छे निकलै छे दिल्ली जे भेले ना ठहराव ओकर नै होय छे निकलते रह जाय छे हां दिल्ली से जे गलती भेले उ दिल्ली वाला गलती के चलते कहीं ना कहीं तबलीकी बदनाम भ तबलीकी खराब चीज नहीं हाँ, बुझ गए हाँ। तबलीकी एक धर्म प्रचारक सिखाओ सिखाओ के तरीका है लेकिन खराब है द्वारा भगले जे हमें कोरोना है अहां निकले छिए अहां मूव कर रहल छिए ई कमी अहां पटपते जा रहल छिए कोरोना अहां डॉक्टर के असहयोग करे छिए अहां थूक फेंके छिए कहां दूर कहां हमरा नहीं बुझल है ना चाहे पीटे छिए पुलिस के या कोई रिक्वेस्ट ऐ सब के चलते लोग के कने एकटा फीलिंग भेलै त हम भारत के बात नहीं करय चाहि रहल छी हम अपना प्रदेश के नंबर 2 के बात करय चाहि रहल छी जे प्रदेश नंबर 2 में मुस्लिम धर्म गुरु सब जे बाहर से आयल छथिन इंडिया से चाहे तबलीगी होय चाहे अन्य होय हम मुस्लिमे के हम संपूर्ण के राहा कर क्वारंटाइन में छे तो अखन अपना प्रदेश में की छे अवस्था से लास्ट में अपने प्रदेश के जे अवस्था हबे धनसा और महोत्री में ती तहां बुझिए लियो कि एकोटा नहीं छे एकोटा अहां के नहीं मिलत तबलीकी करे वाला आदमी और न कोई दिल्ली से आदमी आयल अहां के नुकायल होता है अगर ऐसा होती तो हमर सब के जे चैनल हबे उ चैनल से धनसा महोत्री के पूरा टाइट कर देल गेलिय कि अहां के एक भी व्यक्ति अहां सिर्फ यही नहीं समझो तबलीकी नहीं समझो अहां के भारत से कोई भी व्यक्ति आदमी आयल हबे तो ओकरा तुरंत क्वारंटाइन में यहाँ पठाओ कुछ रिश्तेदारे आ गए हैं तो उनका तुरंत रिश्तेदारे के नहीं घरों के आदमी के ले जाकर के करूँ इस सब प्रक्रिया में हम सब लगल छी मगर मुस्लिम समुदाय सब तबलीकी है ऐसा बात नहीं छी ई चीज अहाँ के माइंड मेकअप करे पड़ते कि मुस्लिम समुदाय तबलीकी में टोटल के टोटल गए कुछ गलत मीडिया की तरफ से जो प्रचार प्रसार मिले कहीं ना कहीं सब तरीके जो बोधे बरसाइन में जो भेल रही से की रही बहुत देश के मुस्लिम समुदाय सब लाखों आदमी उपस्थित भेल रहती से हाँ बहुत चीज अहाँ के बता दी छे ओकरा इज्तमा कहल जाय छे इज्तमो के मतलब होय छे अहाँ के धार्मिक प्रवचन करे के धार्मिक बात रखे के तो अहाँ के जे सप्तरी में जे भल रहे तो ओकर प्रमुख यही मौलाना साद रहे अपने के की प्रमुख भी मौलाना साद रहे प्रमुख
मौलाना शाह जी यहाँ के दिल्ली के अभी जो भागल है वही वहाँ के प्रमुख प्रवक्ता भी रहे यहाँ के, वक्ता भी वही रहे वो, और वही ओकर प्रमुखो रहे यहाँ के मौलाना शाद। तो वही यहाँ के तबलीकी के जो यहाँ के जो देवबंदी सब है वो देवबंदी के वो कार्यक्रम रहे, आ वो कार्यक्रम यहाँ के पूरे देवबंदी कार्यक्रम वो देवबंदी के कार्यक्रम ओमे हम यहाँ के फिर हम सब नहीं के लिए बता दे छी। अगर पूरा मुस्लिम समुदाय वो कार्यक्रम में जती है तो जना लाखों आदमी के संख्या में जो भेलिन पचासो लाख के संख्या में पहुंच जती है, सब यहाँ के नहीं गेले इसलिए ओकर प्रतिशत अपना नेपाल में कम है, वो भारत में ज्यादा है। तो भारत के जो सबके जो चैनल है भारत के चैनल के मात्रे ज्यादा भीड़ रहे, और तबलीकी के जे दोसर रूप देखल जाए इज्तमा जे बोले छे वो इज्तमा भी रहे कि धार्मिक प्रवचन करे, ओकर कोई दूसर रूप नहीं रहे सिर्फ धार्मिक प्रवचन रहे। विभिन्न देश से आवे कुन जरूरी है सी बात, विभिन्न देश से आवे का मतलब है कि एक सबके जना कोई धर्म गुरु के कोई आदमी माने छे, जना अहा के राजनीतिक कर्मी में शेर बहादुर देवबा मालूम भेले कि जलेश्वर में आ रहल है, तो नेपाली कांग्रेस के जे यहाँ के कार्यकर्ता से है वहाँ के कार्यकर्ता जते अपने नेता के देखे के लिए, तो नहीं तो मौलाना साद के माने वाला विश्व में बहुत आदमी मौलाना साद बहुत बड़का लोग बहुत मतलब लोकप्रिय भे गए, उनकर सबके धर्म गुरु में एक अमीर बोलल जाय छे, जना अहा केकरो अहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनबै छी केकरो जिला अध्यक्ष बनबै छी, तो ओनाहिते अहा के मौलाना साद अहा के देवबंदी के एगो प्रमुख व्यक्ति है, आ उ प्रमुख व्यक्ति के कहीं पे जब कार्यक्रम होते अहा के हजारों लाखों की संख्या में आदमी पहुंचते पहुंचे छे ना। हम अपने के फिर यहाँ के मार्फत ये अपील करेला चाहब मुस्लिम समुदाय से खास तौर पे कि सिर्फ तबलीकी से नहीं, तबलीकी के आयल व्यक्ति के नहीं, अगर कोई भारत के बॉम्बे से कोई आयल है, कोई दिल्ली से आयल है, कोई कलकत्ता से आयल है, अथवा बोडरे से कथी लाना व्यक्ति के अगर अहा के गांव में यहाँ के समाज में आयल हबे तो अगर अहा ओकर दोस्त छी तो तुरंत ओकरा क्वारंटाइन में पठाओ, अगर ओकर दुश्मन छी और समाज के दुश्मन छी तो अहा नहीं पठबी तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करबे, अहा खाली ओकरे दुश्मन नहीं भेली पूरे समाज के दुश्मन भेली अपनो दुश्मन भेली, ई लेल बाहर के आयल व्यक्ति के तुरंत के तुरंत अहा के डॉक्टर के सलाह के हिसाब से क्वारंटाइन में पठाबे के चाहिए। मुस्लिम समुदाय अहा के सब तबलीकी छै, ऐसे नहीं छै, तबलीकी जमात अलग है जे अपन धर्म के प्रचार करै। शायद भाई एक लास्ट क्वेश्चन हमर जिज्ञासा, नमाज जे अपने सब पढ़ै छियै है ना, कते आदमी के क्या टाइम पढ़ै छै नमाज, कते आदमी शुक्र दिन के पढ़ै छै नमाज, मस्जिदे में जाकर पढ़नाई जरूरी छै? अखन एकटा इहो जिज्ञासा लै, जहन लॉकडाउन छै, एते बड़का बीमारी छै, पूरा दुनिया परेशान छै, तो घरे में नमाज पढ़ला से नहीं हेतै? है ओकरो अहाँ के क्लियर कर दै छी, अहाँ के मस्जिद में नमाज पढ़ल जती से ऐसा बात नहीं छै, शुक्र के जे नमाज होइ छै खास तौर पर सप्ताह में जे एक दिन जे शुक्र के नमाज पढ़ल जाइ छै वो अपने के जमात के साथ, जमात कहे के मतलब भेलै सैकड़ों संख्या के एक के बाद जे दोसर आदमी जुड़ गेलै ओकरा जमात पढ़ल जाइ छै, तो शुक्र के जे साप्ताहिक नमाज होइ छै वो जमात के साथ मात्र पढ़ल जाइ छै, मगर अहाँ के अगर देश के आपातकालीन स्थिति है, विपता के बेला हबे तो अहाँ शुक्र के नमाज पढ़बे करू, ऐसनो कोई बात नहीं है, ओकरा लेल अहाँ घर में जना पांच वक्त के नमाज होइ छै, पांच वक्त के नमाज में एगो जोहर के नमाज होइ छै, जहाँ के की होइ छै सुबह के फजीर बोलल जाइ छै, असर बोलल जाइ छै, जोहर बोलल जाइ छै, मगरी बोलल जाइ, एना ऐसा बोलल जाइ छै ना, ओनाहिते अहाँ शुक्र के नमाज अगर अहाँ मस्जिद में नहीं पढ़ै छी तऽ घर में अहाँ सिंगल भी जोहर के नमाज पढ़ सकै छी, आ यही मुस्लिम समुदाय के हमसब पटक पटक अपील कर रहल छी कि अहाँ शुक्र के दिन अहाँ मस्जिद में नहीं आ करके अहाँ सब घर में जोहर के नमाज पढ़ू, और नमाज के और एक चीज और क्लियर कर दीजिए, जना अहाँ के कोई मदरसा या मस्जिद में अजान दै छै तो अजान के अर्थ होइ छै कि जना अल्लाह अकबर कहै छै तो ओकर अर्थ ई होइ छै कि आओ आओ नमाज पढ़ू, अभी तो अहाँ के लॉकडाउन के समय है तो अहाँ के नमाज के सिर्फ समय बताएल जाइ छै कि अब नमाज के समय भ गेलै, अब अपने सब अपना अपना घर में अहाँ सब नमाज पढ़ू, से कहि रहल छै माइक में। हाँ, गोरखन का जे मस्जिद में अबै छले अजान जे होइ छै ना, अजान के अर्थ होइ छै कि नमाज पढ़े के समय, अब तो लॉकडाउन के समय में अहाँ मस्जिद में नहीं आ सकै छी, मगर अहाँ के नमाज के टाइम भ गेलै तऽ अहाँ अपना टाइम का नमाज पढ़ू, से कहि रहल छै अपन मस्जिद सब में ई सब कर रहल छै, जेना माइक में पहले होइ छलै भोरे भोरे अल्लाह होकर अपने कहलिया, चाहे जे समय आबि जाइ छै तऽ कहि छलिया, ओ चीज के भी अभी तत्काल हम सब लॉकडाउन के समय में रोक देली, रोक देने छी, हां रोक देली छी, कतऽ कतऽ हम सब जनकपुर में हम अपना मदरसा में रोक देली छी, सके समय जहां तक प्रयास होलै रोके के हम सब प्रयास कर लिए,
कारण की है कि अगर हम अजान दै छी तो लोग के साइकोलॉजी इफेक्ट पड़े छै कि नम अजान दै छी कि नमाज ला बोलबै छी हमर सब के ओ अर्थ नै जेना अहाँ के आइ से 9 दिन बाकी रोजा स्टार्ट होय में अहाँ के 25 अप्रैल से अहाँ के रोजा स्टार्ट होतै तो रोजा में की होय छै अपने के भोर के समय में सेहरी खायल जाय छै तो सेहरी के जे फजर के जे नमाज के जे अजान होतै ओकरा बाद अहाँ पानी नै पी सकै छी तो अभी तक कन्फ्यूज होतै तो हम सब प्रयास करबै हम सब अहाँ के सीडीओ ऑफिस से आदेश लेबै कि हमरा सबसे कम अजान के आदेश दे जाए जिनमे अजान के मतलब भेले कि अब 6 बजे के कुछ मिनट में रोजा खोले के अजान दे दिली अहाँ के मगरिब के तो अहाँ के अजान के टाइम के मतलब भ गेलै कि अहाँ रोजा खोले के समय भ गेलै भोर में अहाँ फजर के टाइम में अगर अजान दे दिली एकर मतलब भेले कि आप पानी उड़ी नहीं पी सकै छी तो एते कम से कम हम रमजान के समय में अगर लॉकडाउन के समय अगर रहबे करलै बराबर जना 4-5 गो रोजा तो रहबे करतै हम सब चौबी प्रशासन से कम नमाज के तो हमरा सब के पढ़े के बाते नहीं है मगर कम से कम अजान के ई लेल कहल जाए जेकरा से मुस्लिम समुदाय अपना अपना घर में नमाज पढ़ सके ई हमर सब के सोच है। ठीक 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अहिना हम चाहबे जे यही अहीं के मार्फत एक चीज और जानकारी देना चाहे छे कि मुस्लिम समुदाय अपने की होय छे कि रमजान के महीना में जकात निकाली छे जे 2.5% होइ छै 100 में 2.5% निकालल जाय छै। हम मुस्लिम समुदाय से जकात जकरा पास में संपत्ति है धन है दौलत है पैसा है जे ओकरा कर्जा नहीं है कर्जा के बाहर के जो संपत्ति है ओकरा अहाँ के प्रत्येक साल अहाँ के 2.5% निकाले पड़े छै कि हम उनका धर्म कर्म के लेल एकदम जरूरी निकाले पड़तै। हम मुस्लिम समुदाय से अपील करबै कि रमजान जे 9 दिन के बाद आवे वाला आवे तो जेकरा पास जे भगवान संपत्ति देले अल्लाह जे संपत्ति देले ओ जमीन के जे अहाँ के पैसा आवे सरकारी कोष में अहाँ जे हो सके छै जमा कर दू आ सरकारी कोष में अहाँ नहीं जा सके छै देबे के लेल तो अपना घर के अगल बगल में कोई गरीब व्यक्ति आवे तो ओकरा चावल आटा दाल ई सब किन कर उनका सहयोग करू समझबे कि हमर जकात वही जम भ गेलै। चलिए बहुत बढ़िया अपील के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार शाहिद भाई अत्य निक अपने फिर सबटा बात कहते के लिए।